हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पर टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, चार बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है उसे मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपने अपने फोन में कोई भी मेमोरी कार्ड अगर लगा रखा है तो मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। ठीक है, जैसे कि फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब वो सब, मतलब जितना भी डेटा है ना आपके फोन में आपके काम का, वो सारा का सारा डेटा का बैकअप ले लीजिए। ठीक है, और चौथी, देखिए बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो जीमेल आईडी होती है ना, जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, लिख के रख लेना है। ये चार काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि बैकअप लेने का फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाता है सारा का सारा डेटा। आपका फोन अंदर से एकदम नया हो जाता है, जैसा फोन आप दुकान से खरीद के लाते हैं ना, वैसे ही अंदर से एकदम नया हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो है ना, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जब आप अपने मोबाइल फोन में पहले वाली जीमेल आईडी को जब दोबारा से लॉग इन करेंगे ना, पासवर्ड के साथ डाल के लॉग इन करेंगे जीमेल आईडी को पहले वाली को, तो इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन का जो डेटा डिलीट हो गया था ना, वो सारा का सारा वापस आ जाता है आपके फोन में। ठीक है, तो बैकअप लेने का ये फायदा हो जाता है। तो मैंने आपको सारी बातें डिटेल में समझा दी है, तो फाइनली ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके से फोन को इजीली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है,